Ladies and gentlemen. ट्रेलर तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन आज मैं आपको बिहाइंड द सीन दिखाएंगे। इस ट्रिक के पीछे जो सच है वो कोई नहीं दिखाता, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे बिहाइंड द सीन। तो देखो क्या होता है इसे रिकॉर्ड करने के पीछे। सारे प्रो प्लेयर से हारने के बाद मैंने अपने गांडू दोस्त को फोन किया और बोला, भाई सुन यार, 50 रुपए ले ले यार, कस्टम में आ जा, तू मेरे को मत मारियो, मैं बस तेरे को इमोट दिखा के मारूंगा। भाई की इज्जत का सवाल है भाई, आ जा यार, प्लीज आ जा, 50 रुपए ले ले, बता आ जा यार कस्टम में। उसके बाद मैंने उसे कस्टम में बुलाया और एक नया मॉन्टेज रिकॉर्ड किया जो ये रहा। बस बस यार, 50 रुपए में उसने इतना ही करने दिया। खैर आज हम बात करने वाले हैं, तुम लोग प्रो प्लेयर हो लेकिन दूसरों को शो ऑफ कैसे करोगे। तो ये वाला ट्रिक में इमोट दिखा के हेडशॉट मार के करोगे। तो कोई नहीं, आप लोगों को आज सिखा दूंगा कैसे आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको डिजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना सीखना पड़ेगा। अगर अभी तक आपका डिजर्ट ईगल से हेडशॉट नहीं लगता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा हमारे वीडियो का, वहाँ पे जाके पहले देखो। फिर जब आप डिजर्ट ईगल से हेडशॉट मारना सीख जाओगे, फिर आप इमोट दिखाओ चाहे कुछ भी दिखा के मारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो गाइज, इस ट्रिक को यूज करके आप सिर्फ नुबड़ों को मार सकते हो, या फिर जैसे मैंने बनाया है एक स्क्रिप्टेड मॉन्टेज, उसी तरह से आप भी बना सकते हो। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कस्टम में किसी को भी बुला लो या फिर क्लास स्क्वाड लगा लो। तो सबसे पहले आपको एनिमी के सामने जाना है ताकि एनिमी आपको थोड़ा सा डैमेज दे सके, ताकि आप एक मेडिकेट लगा सको। और साथ में ग्लूअल जरूर लेके जाइए, वरना एनिमी आपको पूरा मार देगा, फिर आपका मॉन्टेज भी अधूरा रह जाएगा। तो जब आप थोड़ा सा डैमेज हो जाते हो, जैसे यहाँ पर मैं थोड़ा सा डैमेज हो चुका हूँ, तभी आपको अपना जो एम है, जो अपना क्रॉस हेयर है, उसे आपको एनिमी के साइड में रखना है। एनिमी पे डायरेक्टली लॉक नहीं करना है, वरना हेडशॉट तो लगेगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा साइड में रखना है, ऊपर नीचे कहीं पे भी रखना है, लेकिन एनिमी पे लॉक नहीं करना है। तो तभी आपको, जब आप डैमेज हो चुके होंगे, तभी आपको मेडिकेट लगाते हुए इमोट पे क्लिक करना है। इमोट लगाते हुए बस आपको क्रॉस हेयर को थोड़ा सा साइड पे रखना है, ये छोटा सा स्टेप आपको याद रखना है बस। सो गाइज, आपको ज़्यादातर ध्यान देना है अपने क्रॉस हेयर के पोजीशन पर, ताकि आपका एक अच्छा सा हेडशॉट आप मार सको। अगर आप डायरेक्टली एम लॉक करके रखोगे तो आपका हेडशॉट नहीं लगेगा, सब कुछ बॉडी पे लगेगा। तो आपको ध्यान देना है जब आप इमोट लगा रहे हो, उसी के साथ आपको क्रॉस हेयर का जो पोजीशन है वो एनिमी के साइड में रहे, या फिर नीचे ऊपर कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये आपको बस ध्यान देना है ताकि आप अच्छा सा हेडशॉट मार सको। सच बताऊं तो गाइस, इस ट्रिक में ना कुछ भी नहीं रखा, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा प्रो प्लेयर हूँ, ये हूँ वो हूँ, इस तरह से करने के लिए सिर्फ ये बनाया जाता है। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड मॉन्टेजेस होता है, या फिर नुबड़ों को मारते हैं, तो इसमें कोई फायदा नहीं। सिर्फ आप शो ऑफ के लिए, किसी को भी दिखाने के लिए, देख मैं ऐसे मारता हूँ वैसे मारता हूँ, इसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन इसे कहीं पर भी रैंक वगैरह में यूज मत करना, फिर मारे जाओगे, रैंक भी आपका माइनस हो जाएगा। तो बस यार, इस वीडियो में इतना ही सब कुछ था। अगर आपको सीखना है तो मैंने आपको सिखा दिया है, अगर आपको नहीं सीखना है तो बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, ये कोई खास ट्रिक है नहीं, बस आपको ऐसे शो ऑफ के लिए यूज कर सकते हो। तो अगली वीडियो में बात करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।